सो ये मैं चाबी डाला, इसको घुमाया, ऑन हो गया, इग्निशन स्विच ऑन एंड स्टार्ट नहीं हो रहा अभी। सो आई डोंट नो क्या हुआ है, लाइक बैटरी का इशू है या फिर रेगुलेटर का इशू है या फिर मेरा कॉइल पेट का इशू है या मेरा सेल्फ ख़राब हो गया है, मुझे कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है क्या हुआ है। मुझे आज दिखाना है इस बाइक को, मतलब प्रॉब्लम क्या है। एंड यस, सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपी ब्लॉग्स। इट्स बीन यूथफुल एंड वेलकमिंग टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जैसा कि आपने ये वाला क्लिप देख लिया है एंड यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट माय आरएस। सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो यानी ये वाला वीडियो देखा है देन यू नो हम लोग एक छोटे से राइड पे गए थे। सो उसमें एक मेरे साथ छोटा सा हादसा हो गया। हादसा एक्चुअली क्या हुआ कि लाइक जो मेरा आरएस है वो मतलब बंद पड़ गया था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। सो हाँ, पूरा राइड हम लोग ने धक्का मार मार के मतलब चालू किया है अपनी बाइक। सो एज यू कैन सी ऑन द वीडियो, सो उसके बाद दो दिन तक जो मेरी बाइक है वो ऐसी बंद पड़ी थी। मैंने इसको ठीक नहीं किया, क्यों? बिकॉज द नेक्स्ट डे मैं और सी एच के भैया हम लोग गए थे मांडू रिजॉर्ट। एंड यस, अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी एच के भैया ने बहुत बढ़िया वाला ब्लॉग बनाया है, सो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, तो ऑन द वे टू मांडू रिजॉर्ट आई मेट टू ऑफ माई सब्सक्राइबर फ्रॉम गोलाघाट जो जोखलाकोंदा जा रहे थे। वेल, बहुत ही अच्छा लगा मिल गया एंड अच्छा लगता है जब कोई ऐसे अप्रोच करता है। तो यस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो अब आता है मेन पार्ट पे जो कि है मेरे बाइक के बारे में। सो मेरा बाइक अभी ठीक हो चुका है, मेरा बाइक इज़ ओके। सो हाँ, जो प्रॉब्लम था वो था ये, दिस इज़ ए रिले एजेंसी, जिसके कारण जो मेरा सेल्फ है वो काम करना बंद कर रहा था, मतलब मेरा बाइक चालू नहीं हो रहा था। सो पहले मुझे लगा था कि मेरा बैटरी का इश्यू होगा या फिर मेरा जो रेगुलेटर है वो ख़राब हो गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, बस यही ख़राब था मेरा। एंड यस, बाकी आप देख लो वीडियो पे। एंड मोर ओवर, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं अभी इसको कहाँ दिखाऊँगा। सर्विस सेंटर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला अपनी बाइक, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, भले ही बाइक ऐसी पड़ी रहे, बट देन ऑल्सो सर्विस सेंटर में तो मैं कभी बाइक दूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं दूंगा। सो इसलिए इन जोहाट, मतलब चूतिया वाला सर्विस है यहाँ पे, चूतिया वाला, मतलब आपका कट जाएगा अगर आप यहाँ पे कुछ भी दिखाया तो। खैर, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। सो अभी वेट है सी एच के भैया का, तो सी एच के भैया को आने दो, उसके बाद मिलते हैं। तो सी एच के ब्लॉग आ चुका है, अभी हम जाने वाले हैं शॉप पे। हाँ, पहले पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद एक्शन लेंगे, सही है? One hour later. Alright, so हम लोग अभी शॉप से आए वापस एंड अभी हम लोग बाइक को लेके जाने वाले हैं वर्कशॉप पे, तो जिसके कारण अभी हम लोग को इसको धक्का दे के स्टार्ट करना है एंड जो सबसे मुश्किल काम है। सो ये मैंने चाबी घुमाई जो मैंने आपको दिखाया था, इग्निशन ऑन है एंड जब आप स्टार्ट करते हो तो आवाज़ सुनो, सो कुछ इस तरह आवाज़ आता है। एंड ठेलने में सी एच के भैया एक्सपर्ट है, मतलब मैं ठेलने में एक्सपर्ट हूँ, सी एच के भैया स्टार्ट कर देंगे। ओ नीला, रेडी? एक दो तीन, है ना? जाओ, चाबी कहाँ है आपके पास, है ना? बाइक की चाबी? अरे क्या बंद कर ले, बंद कर दिया अपना, क्या अवस्था। ओके, सो बाकी बाइक तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बस यही प्रॉब्लम है इसका। एंड जो मैकेनिक के साथ मैंने बात किया वो बोला है कि जो रिले का प्रॉब्लम हो सकता है ये, एंड अगर वो प्रॉब्लम नहीं तो मेरा बैटरी या फिर मेरा रेगुलेटर या फिर मेरा कॉइल प्लेट, ये तीनों मतलब ख़राब हो सकता है। सी आई हैव नो आइडिया क्या ख़राब हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी जाके दिखाएंगे उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ एक्चुअली। सो मिलते हैं सीधे गैरेज पे। ओके,
सो फाइनली वी आर हियर इन RC ऑटो वर्कशॉप एज यू कैन सी। सो आज मैं यहाँ पे अपना बाइक दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बजाज एंड KTM का स्पेशली अच्छी तरह से सब कुछ काम हो जाता है। एंड मोर ओवर एक चीज़ है कि जो यहाँ पे जो काम है वो मेरे आँखों के सामने होने वाला है। सो इसीलिए मैं सर्विस सेंटर वालों से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड यप, सो देखते हैं क्या होता है अभी। सो फाइनली सब कुछ टेस्ट करने के बाद अभी हम लोग को पता चला है जो मेरा रिले है उसका ही प्रॉब्लम है, वो ख़राब हो गया था, जिसके कारण जो मेरा सेल्फ है वो मतलब एक्चुअली बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अब इसको खोलेंगे, हटाएंगे, रिप्लेस कर देंगे। एंड यस, अब देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स शर्मा स्कूटर्स। अभी मेरा बाइक ख़राब हुआ तो मैं शर्मा स्कूटर्स के जो ओनर है उनसे बात किया था मैंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ही मतलब सजेस्ट किया कि जाओ वहाँ पे, जाओ RC मोटो वर्कशॉप पे, वहाँ पे अच्छे तरह से हो जाएगा आपका काम। अरे यार मैं तो आगे आ गया यार, थट तेरी। सो ये रहा शर्मा स्कूटर्स। कितना का ये? 250। थैंक यू, वेलकम। हो गया काम अपना एंड निकलते हैं सीधे वर्कशॉप की ओर। कोठा पाटी पाटी सुजुकी शुरू में पार हो गलो घूमे ना पालो। भैया आपका सामान। इतनी सी चीज के लिए इतना हंगामा हो गया था। हाँ, सो फाइनली बाइक चालू हो चुकी है। So this is the RC Auto Workshop, deals with all kinds of bikes and scooties, especially in KTM and Bajaj, क्योंकि जो भैया है he used to work in Bajaj, now he have opened his own workshop and यहाँ पे contact number दिया गया है, address 80 रोड टोराजान। सो ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो भैया से आके जरूर मिलिएगा। अभी ऑलमोस्ट सब कुछ रिपेयर हो जाएगा एंड मेरा भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ऑल राइट, सो यस फाइनली आफ्टर 2 डेज। रुको यार, ऊपर मत करो। सो आफ्टर 2 डेज ये स्टार्ट हुई है अभी। मैं तो सोच के मतलब टेंशन में आ गया था, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ दिखाऊँ। एंड फाइनली अपने को ये दुकान मिल चुके है अभी। सो पहले मुझे लगा था कि बैटरी का इश्यू होगा शायद, बैटरी डाउन हो गया होगा, बट देन बैटरी भी चेक किया भैया ने तो कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड यस, सो 350 में सब कुछ हो चुका है। 250 लिया था वो रिले का एंड 100 रुपीज़ चार्ज लिया था वो खोलने का, भैया ने खुद लिया है। एंड यस, सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। सो आई होप किसी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड So I'm ending my video right here. So if you like this video, don't forget to hit the like button. Nahi ho to subscribe karo. Join my YouTube community. And as always, stay safe, be safe, ride safe, stay hygiene. This is ONP signing off. Goodbye.